हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24। तो देखिए, आज हम 1 से लेकर 10 अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर बनते हैं अक्टूबर मंथ के, इन 10 दिनों के, तो उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम 9 या 10 MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हुए। देखिए, वीडियो हम कोशिश करेंगे वीडियो वीकली लेकर आए, डेली अपलोड नहीं करेंगे वीडियो, परंतु क्लास आपकी 8 बजे ही लगेगी, परंतु हम कोशिश करेंगे कि वीडियो MCQs के रूप में लेकर आएँ और वीकली लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला कि SBI बिकम्स फर्स्ट इंडियन बैंक टू हैव ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ? विक्टोरिया में। तो देखिए, SBI ओपन इट्स ऑफिस इन मेलबोर्न एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू हैव ए ब्रांच इन द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया। विक्टोरिया ऑलरेडी हैज़ द प्रेजेंस ऑफ लीडिंग इंडियन बिजनेस इंक्लूडिंग सिप्ला, सीएंट, HCL, इन्फोसिस, रामको, जोमेटो एक्स्ट्रा। तो SBI देखिए पहला बैंक बना है जिसने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में अपनी शाखा खोली, अपना ऑफिस खोला है, तो जी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए, आपको मैंने बताया कि SBI के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो रजनीश कुमार, तो वो भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि कौशल धर्मामर क्लिंचेस मैन सिंगल टाइटल एट मालदीव्स इंटरनेशनल चैलेंज। तो मालदीव्स इंटरनेशनल चैलेंज का मैन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो कौशल धर्मामीर। ठीक, कौशल धर्मामीर, तो जी आप याद रखेंगे। और अगर मैं वुमेन्स डबल की बात करूँ तो वो जीता है सयाक होवरा एंड नेट सुकी सोनी। वैसे जी आपको डबल्स नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो मैन सिंगल ही पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, के एस धाटबालिया अपॉइंटेड एज PIV's प्रिंसिपल DG। DG मीन्स डायरेक्टर जनरल, और PIV का जहां मतलब होगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो उनका इनको क्या बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल। तो जी आप याद रखेंगे, इनका नाम है KS धाटबालिया। ठीक, और वैसे और कोई, और देखिए 20th प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन भी हैं जो गवर्नमेंट के, तो वैसे ये याद करने की आपको जरूरत नहीं, आपको बस ये होना चाहिए कि जो PIV के नए डायरेक्टर जनरल बनाया गया है वो किन्हें बनाया गया है, तो KS धाटवालिया। और देखिए, एक्सिस बैंक ने एक डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है Express FD। इसके जरिए देखिए अब क्या होगा, कोई भी जो FD अकाउंट खुलाएगा उसका अकाउंट 3 मिनट में ही ओपन करके दिया जाएगा उसे, विदाउट ओपनिंग ए सेविंग अकाउंट विद द बैंक। तो इसलिए इसका नाम Express FD रखा गया। FD का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। तो जी कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स? तो 1 अक्टूबर, और इसकी आपको थीम याद होनी चाहिए। तो थीम थी 2019 की, द जर्नी टू एज इक्वेलिटी। ठीक, तो जी आप याद रखेंगे, मैंने ये नील लिख रखी है थीम इसकी, और 1 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। ठीक, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि SS मल्लिकार्जुना राव अपॉइंटेड न्यू CMD ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के नए CMD कौन बनाए गए? SS मल्लिकार्जुन राव, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखिए, आपको एक और बात याद होनी चाहिए। देखिए, OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका देखिए विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखिए, नीति आयोग ने स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी किया है, और जिसमें अगर मैं राज्यों की बात करूं तो केरला को नंबर 1 पोजीशन मिली है, और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करूं तो चंडीगढ़ को। और किसमें, और ये किस पर आधारित था ये इंडेक्स? तो इंडेक्स था स्कूल एजुकेशन क्वालिटी। ठीक, जो स्कूली शिक्षा का स्तर कैसा है किस राज्य में, किस यूनियन टेरिटरी में, उसके आधार पर रैंकिंग दी गई, और राज्यों में केरला नंबर 1 पर और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 पर रहा है। ठीक, तो जी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। देखिए पेपल, ठीक, जो एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जो पहला गैर चाइनीज पेमेंट प्लेटफॉर्म बना है जो कि अपनी सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज चाइना में प्रोवाइड करेगा। तो बस ये इतना आपको याद रखना है, पेपल द फर्स्ट फॉरेन पेमेंट प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड ऑनलाइन पेमेंट सर्विस इन चाइना, बस आपको ये याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए IMF में इंडिया की तरफ से वहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया? तो वे होंगे इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला। तो इकोनॉमिस्ट सुरजीत भल्ला को अपॉइंट
किया गया है आईएमएफ में, कैसे, एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया। ठीक, तो जी आप याद रखेंगे। और देखिए इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो किसके किस कमेटी के जरिए की गई था, द अपॉइंटमेंट्स, दी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जी इसकी अध्यक्षता की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक, एसीसी की। ठीक, तो जी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक, तो जो मनाया जाता है 2 अक्टूबर, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। और जो मनाया गया कब, 2 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, और किसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, तो महात्मा गांधी जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल अहिंसा दिवस, तो जी आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए सचिन तेंदुलकर को मोस्ट इफेक्टिव स्वच्छता एम्बेसडर एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो जी आप याद रखेंगे। किसको दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को। आपको देखिए नीचे मैंने को जानकारी दे रखी कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया था, 2014 में। ठीक, तो जी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए क्लीनलीनेस सर्वेस, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में किस रेलवे स्टेशन को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन चुना गया, तो आपका आंसर होगा जयपुर। ठीक, क्या आपका आंसर होगा जयपुर, और दूसरे नंबर पर जोधपुर, फिर दुर्गापुर, और ये देखिए तीनों ही राजस्थान में है, तो जी आप याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूँ सब उर्बन क्षेत्र की, सब उर्बन क्षेत्र की यानी कि उपनगरों की, तो उपनगरों की कैटेगरी में अंधेरी, जो कि मुंबई में अंधेरी, मतलब मुंबई को रेलवे स्टेशन को पहला स्थान मिला है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। और अगर ऐसा पूछा जाए कि किस रेलवे जोन को नंबर 1 रैंक मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण में, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यानी कि उत्तर पश्चिमी रेलवे। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। और देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि भारत सरकार, या चलो पीएम मोदी का ही नाम लिख दिया जाएगा वहाँ पर, कि भारत सरकार ने कब तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने की घोषणा की है, जब कब तक जे उन्होंने संकल्प लिया कि इतने इस समय तक हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर देंगे। ठीक, तो आपका आंसर होगा 2022, 2022 तक डेडलाइन रखी गई कि तब तक सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल भारत को मुक्त कर दिया जाएगा, इससे इसके इस्तेमाल से बिल्कुल बिल्कुल रोक लगा दी जाएगी, यानी कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा इंडिया में 2022 तक, तो जी आप याद रखेंगे। और देखिए अभी तक इससे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो रशिया में। बस आपको अभी इतना ही याद रखना है, क्योंकि अभी तक जो इवेंट जो चलेगा तब तक इसके बाद में कौन जीतेगा, कौन वर्ल्ड वुमेन चैंपियन बनेगा, तो ये बाद की बात होगी। तो अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है, तो रशिया में, तो जी आप याद रखेंगे। देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है जो मिलिट्री एक्सरसाइज रहती हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो देखिए इसका नाम होगा काजिंड, काजिंड, KAZ से कजाकिस्तान बनेगा, IND जो लास्ट 3 वर्ड है इससे इंडिया, यानी कि जो किन दो देशों के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपका आंसर होगा कजाकिस्तान और इंडिया। ठीक, तो आपको इतना याद रखना है जी कहाँ पर हो रही है, जी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे पिथौरागढ़ में हो रही है जी, परंतु जी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है जी, इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान। देखिए जी अब बदल दी गई है, जो वहाँ के लॉन्ग सर्विंग पीएम थे नजर अलबायेव, उनके द्वारा, तो करेंसी है वहाँ की कजाकिस्तानी टेंगे। ठीक जी, आप याद रखेंगे कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान और करेंसी कजाकिस्तान टेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखिए लिख रखा है यूपी सीएम, यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम, फ्लैग्स ऑफ कंट्रीज फर्स्ट कॉरपोरेट ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, तो पूछा जाएगा कि इंडिया की पहली IRCTC कॉरपोरेट ट्रेन का नाम बताइए, तो तेजस एक्सप्रेस, और कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जी लखनऊ टू दिल्ली। ठीक, तेजस एक्सप्रेस ACC to IRCTC, द पैसेंजर विल वी गेट ए रिफंड ऑफ RS, बस जी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और नीचे एक लिख रखा मैंने कि IRCTC इज ऑफरिंग फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफ ₹25-25 लाख टू पैसेंजर। ठीक, तो जी आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि उड़ीसा लॉन्च्ड MO या मो सरकार इनिशिएटिव, जी उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है मो सरकार, और देखिए इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी आम आदमी, कोई भी आदमी जो कि सरकारी ऑफिसों में जाता है किसी भी काम से, तो उसके साथ डिग्निटी
या उसे बहुत ही डिग्निटी के साथ सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि टू प्रोवाइड सर्विस विद डिग्निटी टू पीपल हु आर कमिंग टू गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो जी आप याद रखेंगे, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल जी भी आप याद रखेंगे, और नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। देखिए नेक्स्ट है कि बेन स्टॉक्स नेम्ड पीसीए प्लेयर ऑफ द ईयर, तो बेन स्टॉक को पीसीए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। पीसीए का मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन, ठीक जी आप याद रखेंगे। और देखिए मैंने लिखा कि सोमे रेस्ट बैट्समैन टॉम बेंटन वाज वोटेड जंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए एक होता है सिटीजन सेंट्रिक ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, तो उसमें जो टॉप किया है वो किया सिंगापुर ने, तो ये आप याद रखेंगे। उसमें टॉप किसने किया है, तो सिंगापुर ने टॉप किया है, और आउट ऑफ 102 सिटीज़ यानी कि 102 सिटीज़ में सिंगापुर ने टॉप किया है। और देखिए ये फर्स्ट एडिशन था आईएमडी स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ये पहली बार लॉन्च किया ये इंडेक्स 2019 में, और इसमें हैदराबाद 67 नंबर पर आया है, और भारत में ये सबसे यानी कि भारतीय की सिटियों की बात कर दो, हैदराबाद ने टॉप किया, परंतु ओवरऑल अगर मैं वर्ल्ड पूरे दुनिया में देखूँ तो उसमें हैदराबाद 67 नंबर पर आएगा, ठीक, परंतु भारत में ये पहले नंबर पर 67 नंबर पर, न्यू दिल्ली 68 नंबर पर, मुंबई 78 एंड बेंगलुरु 79 पर, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस सेंटर एंड एस यू टी डी, तो जी आप जी आपके लिए कोई याद रखने वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जस्टिस एल एन स्वामी टेक्स ऑथ एज हिमाचल चीफ जस्टिस। तो देखिए जस्टिस एल एन स्वामी का जो पूरा नाम है लिंगप्पा नारायणा स्वामी, तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, और इन्हें किसके द्वारा शपथ दिलाई गई है, तो वहाँ के जो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। ठीक, तो जे और वहाँ के देखिए मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। देखिए नेक्स्ट है कि फेस्टिवल ऑफ फूल पत्ती बींग सेलिब्रेटेड इन नेपाल, तो उस क्वेश्चन आएगा कि फूल पत्ती सेलिब्रेट किस देश में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा नेपाल में, और आपको इससे कोई भी कुछ भी इससे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत तो नहीं है, बस आपको ये पता ना कि फूल पत्ती कहाँ पर मनाया जाता है, तो नेपाल में। देखिए नेक्स्ट जो नोवाक जोकोविक है उन्होंने जापान ओपन टाइटल जीत लिया है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जापान ओपन टाइटल किसने जीता, तो नोवाक जोकोविक, ठीक। और आपको और देखिए जो वर्ल्ड नंबर एक के खिलाड़ी हैं यानी कि इनकी रैंकिंग वर्ल्ड में नंबर एक पर है, बाकी देखिए आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जा चाइना ओपन 2019 किसने जीता, तो वो जीता है डोमिनिक थीम वैग्ड द टाइटल, यानी कि डोमिनिक थाइम या थीम कुछ ऐसा नाम होगा इनका, तो इन्होंने चाइना ओपन जीता, परंतु हम जापान ओपन की बात करें तो जापान ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविक, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम ऐसे बनेगा कि नोमैडिक एलिफेंट 14 ये किन दो देशों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपका आंसर होगा इंडो मंगोलिया, यानी कि इसका आंसर होगा कि इंडिया और मंगोलिया के बीच, तो ये आप याद रखेंगे। और जो इसका कौन सा संस्करण था, 14वां, बस आपको इतना ही याद रखा कि नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच ये एक्सरसाइज होती है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो इंडिया और मंगोलिया। देखिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक टू बी सेटअप इन भोपाल, तो इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर खुलेगा, कहाँ पर सेटअप किया जाएगा उसके, या कहाँ पर उसका निर्माण किया जाएगा, तो भोपाल में, ठीक, बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है कि मैक्सिकन एक्ट्रेस एपरेसियो नेम्ड यूनेस्को एम्बेसडर, तो देखिए ये मैक्सिकन एक्ट्रेस है, इनका नाम है एपरेसियो, तो इन्हें यूनेस्को ने एम्बेसडर बनाया है अपना, तो गुडविल एम्बेसडर बनाया है, तो जी आप याद रखेंगे। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा बाकी जी आप याद कर सकते हैं कि जो यूनेस्को है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ऑड्रे अजोले, और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो पेरिस में है, ठीक, तो जी आप याद रखेंगे। देखिए वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, बाकी इसमें आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वर्ल्ड हैबिटेट कब मनाया जाता है, बस ये आपको याद रखना है कि, और इसकी थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम थी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एज ए इनोवेटिव टूल टू ट्रांसफॉर्म वेस्ट टू वेल्थ, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये लिखी हुई है मैंने, तो बाकी कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर। देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनेगा, देखिए जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनूंगा मैं आपको उतना ही बताऊंगा,
तो क्वेश्चन देखिए ऐसे नहीं बनेगा, इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया, क्या किया। तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि सुरेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित हैं, ठीक। तो आपका आंसर होगा पावर लिफ्टिंग, आपने इतना ही याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सुरेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है, पावर लिफ्टिंग से, ठीक। देखिए अब हम बात करेंगे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 की। तो देखिए इसमें इंडिया को जो अब वर्तमान रैंकिंग हो गई है वो 10 स्थान और नीचे खिसक चुका है इंडिया। अब जो उसकी रैंकिंग हो गई है वो है 68 रैंक, और देखिए सिंगापुर पहले नंबर पर है, तो जी आप याद रखेंगे बस इंडिया और जो पहले नंबर पर कौन सी कंट्री, यही आपको याद होना चाहिए, ठीक। और ये किसके द्वारा किया जाता है, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है कि 3 डे इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 11। तो आपको यही याद रखना है कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर कहाँ पर किया जा रहा है, कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है इस बार, तो न्यू दिल्ली। बस आपको इतना याद रखना है, न्यू दिल्ली ट्रेड फेयर, बस इतना याद रखना कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली, बस और कुछ नहीं। आप और देखिए नेक्स्ट है कि रमेश पांडे सिलेक्टेड फॉर एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड बाई UNEP। UNEP का तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इन्होंने तो रमेश पांडे, इनको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड किसको दिया जाएगा, रमेश पांडे। तो जी आप याद रखेंगे, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इनका नाम याद रखना और कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है, बस। और देखिए वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो भी आप याद रखें। वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। और देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 1969 को, ठीक। वर्ल्ड जो पोस्ट डे, इसकी शुरुआत की गई थी 1969 को। बाकी देखिए कुछ भी इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको पता है पोस्ट डे कब मनाया जाता है, वैसे जो एग्ज़ाम में भी कम ही पूछा जाता है। और देखिए अगला नेट जो नेक्स्ट है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जल शक्ति जो मंत्रालय है, जो वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा चुनकर आई है, जो सरकार चुनकर आई है, इसी टेन्योर में इसका इस मंत्रालय का गठन किया गया, जल शक्ति। इससे पहले कोई जो मंत्रालय नहीं था, तो जल शक्ति मंत्रालय बिल्कुल नया मंत्रालय बनाया गया है। और इसके जो मिनिस्टर हैं, इसके जो मंत्री हैं, वो कौन है इस मंत्रालय के, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आप याद रखेंगे। और इन्होंने देखिए एक लॉन्च की है योजना कह सकते हैं, जहाँ इन्होंने कोई इनिशिएटिव किया है, तो उसका नाम है गंगा आमंत्रण। इसके जरिए देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि टू कनेक्ट विद गंगा एज स्टेक होल्डर, ठीक। इसका एक यूनिक इनिशिएटिव टू कनेक्ट विद गंगा एज स्टेक होल्डर, ठीक। तो बस आपको इतना सा याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो नेक्स्ट पहला एमसीक्यू है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में किस रेलवे जोन को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर होगा ए, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की। तो देखिए आपका आंसर होगा वैष्णो देवी। और देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस इंजनलेस ट्रेन है, और इसका नाम पहले T18 था, बदलकर इसका नाम वंदे भारत रखा गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे, और ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भी है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की जयंती पर निम्न में से किस देश में डाक टिकट आरंभ की गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जिस किसी सिर्फ एक ही देश ने डाक टिकट, महात्मा गांधी की जयंती पर एक ही किसी एक ही देश ने डाक टिकट आरंभ नहीं की है, बहुत सारे देशों ने की है जारी डाक टिकट। वैसे अगर इसमें बात करूँ तो फ्रांस होगा, इसके अलावा उज्बेकिस्तान, टर्की, और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की जयंती पर डाक टिकट आरंभ की है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन में वैष्णो देवी आंसर था, मैंने शायद आपको बता दिया होगा। तो देखिए नेक्स्ट के भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आपका आंसर होगा 20, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप स्थान निम्न में से किस राज्य को मिला। तो जी मैं आपको बता चुका हूँ, राज्य की बात कर रहे हैं तो केरल, और अगर हम यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे जहरीला कवक हाल ही में किस देश के सुदूर उत्तर में पहली बार देखा गया। तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक। नेक्स्ट, कवक मीन्स फंगस। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा के निम्न में से किस पार्क में एलिफेंट एंडोथिलियोट्रॉपिक हर्पिस के कारण 5 हाथियों की मृत्यु हो गई। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। ये क्वेश्चन ऐड करने का, ऐसे नहीं पूछा जाएगा किस होगी मौत होगी, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में। नेक्स्ट है, किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने हाल ही में
ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। ठीक, तो देखिए ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसका जो देखिए राइट आंसर होगा वे होगा इक्वेडोर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान पर हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा मुंबई। तो देखिए हमने लगभग 9 या 10 9 MCQs को सोल्व कर लिया और हमने 1 से 10 तक अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंट इवेंट को डिस्कस कर लिया। और देखिए हम वीकली वीडियो लेकर आया करेंगे क्योंकि थोड़ा मटेरियल भी हो जाता है आपके पढ़ने के लिए, रोज़ रोज़ आपका भी देखने का मन नहीं करता कि 4 या 5 क्वेश्चन 10 मिनट की वीडियो, तो इस तरीके से आपका जो मोरल पहले ही टूट जाता है। तो हम वीकली लेकर आएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे वो हम लेकर आएंगे और आपके लिए हम MCQs के रूप में लेकर आएंगे। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।